वीर साहब जब लहरतारा में प्रकट हुए थे तो नीरू और नीमा जी जो उनके पालनहार माता पिता थे उनको लेके आए थे। सबसे पहले वो यही लेके आए थे, एक बगल में परिसर है कबीर साहब की झोंपड़ी, आप देखे होंगे आए होंगे, वहाँ पे लेके आए थे। जब बालकपन वहाँ बीता, बालकपन जब बड़े हुए तो वहाँ बहुत लोगों ने गणिकाओं का और कसाईयों का मुकाबला था। लोग वहाँ बकरा बैल काट देते थे, गणिकाएं नाच गाने करते हैं साथ संगत। तो कहे साहब यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, यहाँ से अब अलग हट के कहीं बनाया जाए। फिर वहाँ पे आके एक कबीर चबूतरा बनाया गया, फिर यहाँ पे आए कबीर साहब, कबीर चबूतरे में बीजक का संकलित किए। यहाँ उनका साधना का केंद्र था, यही बैठते थे साधना करते थे। जब यहाँ से अंतिम समय कबीर साहब मधर गए, उनका शरीर पूरा हुआ तो एक फूल दो चादर मिला, एक चादर दो फूल सॉरी मिला, एक चादर दो फूल मिला, जिसे एक फूल की समाधि वहाँ बने और एक फूल की समाधि वीर सिंह बघेल जी राजा जो काशी के राजा थे ले गए थे, उन्होंने लेके आए, और एक जो चादर थे मुस्लिम लोगों ने उसको मजार बनाया। कबीर साहब जहाँ पे रहते थे बचपन से लेके, हम बचपन से लेके तो यही रहे, यही रहे। तो जो काम करते थे वो भी, जो अपना मेहनत करते थे यही करते थे, सब इसी जगह पर। अभी आप लोग बैठे, अभी जैसे उठ के चलेंगे दिखाएंगे, करघा है उनका, अच्छा लाठ का घड़ा है, चरखा है। पूरे जीवन 120 साल कबीर साहब पूरे कर्म भूमि। कबीर साहब की कितनी उम्र हुई? 120 साल, 120 साल तक जीवित थे। सतगुरु रविदास महाराज से मिलाप यही हुए? हाँ, सतगुरु कबीर साहब गुरु रविदास जी से ना, यही पे आते थे जाते थे सब लोग, सही है। उसका भी बताएंगे आप लोग, आइए थोड़ा सा। ये सदगुरु कबीर साहब की बीजक मंदिर है, जिस परिसर में आपने ये बीजक मंदिर है, वहाँ पे 650 वर्ष पुराना सदगुरु कबीर साहब के चरण पादुका है। आप देख सकते हैं शीशे के अंदर पैक करके रखे हुए, जिसको पूजा करते थे चरण पादुका। इसके बगल में एक काठ का घड़ा है, इस साइड में घड़ा आपको दिख रहा है, एक काठ का घड़ा। इसके बगल में गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के जो नाथ संप्रदाय के, उनसे साथ श्राद्ध में जो त्रिशूल पे बैठे थे, वो एक त्रिशूल है जिन्होंने हार गए थे और त्रिशूल को दे के गए। उसके नीचे चरखा है जिसे कबीर साहब धागा बुनने का काम बनाते थे। इसके बगल में एक करघा है, खड्डी चादर बुनने का काम, खड्डी लंबी लंबी वाली जो देख रहे हैं। हाँ जी, नीचे 1008 गणिकाओं की माला रखी है, तो अच्छा वो माला है वो वाली, हाँ, जिसपे पूरे पे राम राम लिखा है, तुलसी की माला है 1008। यहाँ से खोलेंगे तो पूरा कीर्तन तो अच्छा लगेगा, जो टोकरी में जी, कबीर महाराज का जन्म स्थल अभी परिक्रमा कर रहे जी, बाकी ज्ञानी जी ने तुहानू सारा दस्या, उन्हां दा जीवन ब्यौरा सारा कुछ दसणगे सानू अगे होर।
नानक जी, गुरु रविदास महाराज जी, कबीर महाराज जी, तिने समकाली हुए ने। इन्होंने ही साडा जीवन जिहड़ा पूरा परिवर्तित किया। मौजूदा गुरु महाराज ने गुरु महाराज जेड़े समय समय सिर गद्दी ते होए ने। सतगुरु कबीर साहब के बाद जो गद्दी नसल बनाए गए वो नहीं चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब के बाद ये लोग हैं, ये 24 या 4 किसी हमारे गुरु महाराज 24 24वीं गद्दी है जी इस वेले। वर्तमान सरकार यह जी कबीर महाराज का घर नीरू टीला। सतगुरु कबीर साहब के माता और पिताजी की समाधि और निमाजी। सतगुरु कबीर साहब के पिताजी, पिताजी और माताजी, पावनहार पिताजी जो कबीर साहब को पाए थे लहरतारा तालाब से लेके आए थे, छोटे से उन्हीं के साथ उनको खिलाए पिलाए खिलाए पिलाए बड़ा के। और माताजी, और माताजी निमाजी, बाबा नीरू जी, बाबा नीरू जी, वो तो माता निमाजी जुलाहे, तो जुलाहे तो कबीर पंथी होते हैं। हाँ, तो इसके कबीर साहब के बाद तब से तो जुलाहे कबीर पंथी होने, हाँ तब से हुए होने लगे। इसके पहले तो मुस्लिम नहीं होते। अच्छा, मुस्लिम ही थे पहले, तो लेकिन कबीर साहब तो नहीं मुस्लिम, ना हिंदू ना मुस्लिम, ना मुस्लिम कुछ नहीं हो तो नॉर्मल है ना। साहब की झोपड़ी है। अच्छा, हाँ, ये ओरिजिनल जगह है जहाँ कबीर साहब के पिताजी और माताजी रहा करते थे। और ये चादर बुनने का जो काम करते थे, जो कबीर साहब जहाँ से सीख लिया कि वो हमको चादर बुनना है, कहाँ से उनके पिताजी सिखाए, जो चीज है वही जगह है। अच्छा, यही ओरिजिनल ओरिजिनल जगह है ये। पहले झोपड़ी था कबीर साहब जब लहरतारा से पाए गए, तो सबसे पहला स्थान जो है वो वही आए थे, उनका वो विश्राम गृह बना है। चरखा ये कबीर साहब जी चादर बुनने का काम करते थे। स्वदेशी स्वदेशी चरखा तो स्वदेशी है ना। गांधी जी का जो चरखा का चिन्ह है जो गांधी जी का जो चिन्ह है यहाँ से लिए थे। हाँ, जो घर है, घर के सामने कबीर मठ है। गांधी जी की माता जी है जो कबीर पंथी थी, जो गांधी जी की माता जी है कबीर पंथी थी। तो फिर गांधी जी की माता जब कबीर पंथी थे, महात्मा गांधी के, वो तो फिर मुसलमान हो गए। गांधी के जो माता जी थे, गांधी जी का माता जी जो थी, अभी कितने वर्ष पहले गांधी जी का ये है, अभी 650 वर्ष पहले हुआ, अभी 100 वर्ष भी नहीं हुए, नहीं हुए फिर कैसे वहाँ
कबीर साहब को मानने वाले जो थे कबीरपंथी, ऐसा थोड़े नहीं कि जो कबीरपंथ मुस्लिम ही मानते हैं कबीर साहब को, ऐसा तो है नहीं। कबीर साहब को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम मानते हैं, सब लोग मानते हैं। आप ये क्वेश्चन आपका जो है ये सही नहीं है ना। नहीं नहीं, आपने बोला जो गांधी जी की माता जी थे वो सतगुरु कबीर साहब को मानने वाली थी, कबीर साहब को पढ़ती थी, कबीर साहब उन्होंने गुरु मान दी थी। गांधी जी का जो गुजरात में घर है गांधी जी का, उसके सामने कबीर मठ है, कबीर मठ है, कबीर मठ है। ये अलग अलग चित्रा रही उन्होंने जीवन दर्शाता है, बहुत शानदार पेंटिंग बनी हुई है। लाइट दी रिफ्लेक्शन बहुत है जिसे ना पूरा क्लियर नजर नहीं आ रहा। अरे अभी पानी से प्यास लगी, आधे घंटे लमसम बीत गए, अभी तक ये पानी लेकर सोच रहे हैं क्या बात है। तुमने कमाली कहा पानी दे दी थी, आप पानी तुम कहीं पीना है तो पानी लिया, आधा पानी कुएं में डाल दी तो आधा पानी कमाली को, कमाली को भी क्या है। वो भिखारी कब तक भूखा रहा जब तक कमाली की शादी मुल्तान में सुनी नहीं तुझे। अच्छा, कमाली की शादी मुल्तान में हुई है। अच्छा, ये फकीर धीरे धीरे घूमते मांगते फिरते फिर मुल्तान पहुंचा। इसकी भूख और प्यास मिटी नहीं रहती, कितना भी खाता पानी पीता कुछ भी, लेकिन इसकी प्यास और भूख नहीं मिटती। ये मांगता फिरता घूमता, इसे जब गया मुल्तान में कमाली के घर, कमाली घर से रोटी और पानी लेकर निकली, खाया और पानी पिया, उसकी भूख और प्यास दोनों निकली। कई बेटा कहीं मैं कबीर किसे भेजा, मैं आपको पहचान गया, आप में पहचाने नहीं, अब पहचान लिया आपको नहीं पहचाना। कहे कि जो गुरु रैदास जी जो अमृत जल दिए थे आपको, वो जल नहीं था, वो अमृत था, आपने उसको छका नहीं, इस कारण अब तक प्यासे से जाइए, माफी मांगिए कबीर और रैदास। फिर उन्होंने आया, इसी कुएं का पानी पिया, फिर सेवा करते माफी मांग। काली है और ये सर्वानंद पंडित है, सर्वानंद पंडित और ये कमाली, ये पूरे विश्व को हरा दिए थे अपने जो पंडित के ज्ञान था, उस ज्ञान से वेद पुराण महाभारत रामायण सबको पुराण से ये सबको पराजित कर देते थे। सर्वानंद, सर्वानंद इन्होंने अपना जब सबको पराजित कर दिया तो कहे कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दीजिए अपने माता जी से, कहे कि जाओ माता जी कहेंगे जाओ पहले काशी, काशी में सबको हरा के आओ, तब उसके बाद तुम्हारा नाम सर्वाजीत हो जाएगा। ये काशी आए, काशी में सबको शासराज किया और सबको हरा दिया, जिसको हराते थे उसका वेद पुराण जो भी रहता था छीन के बैल पे लाद लेते थे। ऐसे करते करते इनके पास 18 बैल हो गए थे। माता जी के पास गए, माता जी से पूछे सबको हरा दिया, माता जी मेरा नाम कहे कबीर से मिले, स्वामी कबीर का कोई नाम नहीं है, कबीर को कोई जानता नहीं, नहीं जाओ कबीर को हरा के आओ, उसके बाद तुम्हारा नाम सर्वाजीत रख दिया जाएगा। फिर आया पूछते पूछते कबीर की कुटिया में आया, कमाली से कुएं के पानी भर रही थी। तो कमाली से पूछा कि कबीर का घर किधर है, सर्वानंद जी से। तो इनके बातों में इतना अहंकार था कि कमाली बात को समझ गए, इनको कहते इसे पूछता है तुम्हारा घर कहाँ, इनकी बातों में इतना अहंकार था, क्रोध था कि ये बात को समझ गए। तो कमाली ने एक छोटी सी साखी कही, कबीर का घर शिखर पर जहाँ से लहली गए, पाँव न टीके पपीन का पंडित लादे बैल। कबीर का घर इतना ऊपर है, इतना ऊंचाई पे है, यहाँ चींटी का पाँव नहीं टिक सकता। तो आप 18 थे पोथी पुराण लाद के बैलों के साथ आप कैसे पहुँच सकते हैं महाराज, मैंने बहुत अच्छी बैठी हुई। तो इधर सर्वानंद सोचे कि कबीर के घर में 12-14 साल की लड़की, छोटे से लड़के ने इस बात को कह दी कबीर का घर इतना ऊपर है, इनको झटका लगा उन्हें, अरे यार ये क्या हमको है।
फिर आए कबीर से मिले, कबीर से कहे आपका श्राद्ध हमसे करिए। कबीर साहब ने कहा कि हमको नहीं आता, मैं आंखों देखी बात करता हूँ, लिखी लिखाई बात नहीं करता। फिर कहे अच्छा तब मान लीजिए कि हार गए, उन्होंने कहा ठीक है मान लीजिए हम हार गए। उन्होंने कहा लिख दीजिए, आप वो भी काम कर लीजिए, आप लिख लीजिए स्वयं। उन्होंने लिखे कबीर हारे और सर्वानंद जीते, कागज को मुड़े और फिर चले गए दक्षिण भारत केरला के थ्रू। फिर जब गए केरला माता जी को दिखाए, तो माता जी के जब पास गए और खोले तो लिखा था उस पर कबीर जीते सर्वानंद हारे, उल्टा 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 हो गया। कहे करे क्या हो गया, हे माँ हम खुद मैं ही लिखा हूँ, ऐसे कैसे। मैं फिर जाता हूँ और फिर लिख के लाता हूँ। फिर आए, फिर वही बात हुई, फिर उन्होंने लिखा बढ़िया से, फिर इस बार ध्यान पूर्वक लिख के ले गए। फिर गए, फिर वही बात उल्टा हो गया। जब कहे माता जी, कहे नहीं मैं खुद लिखा हूँ, मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, सब कुछ करके मैं आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। जब देखे फिर वहीं से उल्टे पाँव भाग के आए। फिर माता जी पूछी कहाँ जा रहे हैं, कहे कि माता जी इसको खोज रहे थे वो मिल गए, हमको परमात्मा मिल गए, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। फिर आए कबीर के पास, दूसरे आचार्य कबीर साहब के परिनिर्वाण के बाद दूसरे आचार्य इन्हीं को बनाए, कबीर यही रहे। इनका नाम तो उस इनके बारे में जो थे कबीर की कॉल में उसके बच्चा आगे बच्चा ऐसा हुआ। जब ये तो दूसरी गद्दी हो गई, तीसरी गद्दी फिर कबीर की कॉल में से ना नहीं, ये ब्रह्मचारी गद्दी, ब्रह्मचारी गद्दी ऐसे नहीं। आप भी आए रहे हो सकते हैं ब्रह्मचारी गद्दी।